अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं डब्बा गोश्त, जिसकी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। अब हमने लिया है मटन, आप उसे गेहूं का आटा लगा के वॉश कर सकते हैं अगर स्मेल आ रही हो तो। कैश्यूज एंड एलिमेंट्स सोक करके रख दीजिए। अनियन को बारीक से चॉप कर दीजिए। अब हम पहले मटन को पकाएंगे, जिसके लिए हमें कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे उसमें। एक बार अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें मटन ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, हमको सिर्फ हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड करना है, इतना कि मटन उसमें सोक हो जाए। फिर हम कुकर को 4 to 5 विसल्स तक उसको पकने देंगे। अब हम दूसरे जार में सोक्ड एलमंड्स और कैश्यूज लेंगे। उसके साथ हम कर्ड और ग्रीन चिलीज भी ले लेंगे। उसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे और एक पेस्ट बना देंगे। अब हम चेक करेंगे मटन अच्छे से गल चुका है कि नहीं। एक बार मटन गल चुका है, फिर हमारी रेसिपी बहुत इजी है। अब बस आपको देखना है और फॉलो करना है। अब हम इसमें 2 tablespoon सॉल्ट ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे 10 minutes के लिए। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। अब हम इस पे टमाटो के स्लाइसेस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कोथमीर भी ऐड कर देंगे। एक अलग पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे, ऑयल या फिर घी। अब हम लेंगे 2 अंडे और उसे हमारी ग्रेवी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ऑयल गरम हो चुका है, हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे और उसे कवर करके रख देंगे। अब 5 मिनट्स बाद हम इसे ओपन करेंगे और हमारा डब्बा गोश्त रेडी है।